100 किलोमीटर जाएंगे पर ट्रेन भी नहीं जा सकते 100 किलोमीटर, पता नहीं क्या होने वाला है। भाई साहब ने गाना चलाया है यार, आपको देख के लग रहा है कि ये ईरान का गाना वगैरह होगा। बस है भाई, बस रोक दो यार, बस भी नहीं रोक रहा। आप लोग मिडिल ऑफ डेजर्ट में है और रात को चल रही है यहाँ पे, मतलब डेजर्ट में जाएगी। भाई साहब नाश्ते सो गई है पूरी तरह से। गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूं। फिलहाल भाई साहब इस वक्त मैं हूं याज हाईवे पे, पिछली वीडियो आपने इस्फहान देखी थी, इस्फहान के बाद आप निकल रहा हूं याज की तरफ। वेल काफ़ी लेट, हालांकि 5:30 बजे वापस से स्टार्ट किया आप लोगों ने हिच हाइकिंग करना, और ये यहाँ पे नाश्तियाँ तैयार है हिच हाइकिंग करने के लिए। आर यू रेडी? नाउ आई ट्राई, चलो। तो भाई यहाँ पे आप ऐसे मत करना, इसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है। तो भाई यहाँ पे आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आप ऐसे मत करना, बहुत सारे कंट्री में इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? और भाई काफ़ी मस्त सनसेट हो रहा है उस तरफ, और मैं यहाँ पे हिचहाइक कर रहा हूँ। ये ऐसा है सिटी के बाहर, भाई साहब मैं टैक्सी लेके आया हूँ, टैक्सी लेके यहाँ पे आया भाई। 25 लोकल करेंसी दी है मैंने उस टैक्सी के लिए, तो क्या 50-55 रुपये के आसपास। चलो भाई करते हैं हिचहाइकिंग की शुरुआत। यहाँ पे नाश्ता कर रही है हिचहाइकिंग, उतना डिफिकल्ट हिचहाइकिंग नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से, काफ़ी इजी हिचहाइकिंग रहेगी। नाश्ता ट्राई कर रही है हिचहाइकिंग, देखो कितने देर में लिफ्ट मिल जाती है हमें। ये दो हमारा बैग यहाँ पे फेंक रखा है हम लोगों ने, एक दो और छोटा वाला मेरा बैग जिसमें मैं लैपटॉप वगैरह रखता हूँ। मेरा अनुसार 20 मिनट में हमें लिफ्ट मिल जाएगी, 15 से 20 मिनट में हमें कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। ऑलरेडी भाई 5:30 बज गए हैं, 5:27 हो गए हैं, तो देखते हैं कितने देर में यहाँ पे लिफ्ट मिल जाती है। Nobody stops, yes? How long do you think it will take for the ride? 5 minutes. Dabai, smile, smile. Work. Da. Da. Yes. Yes, sir. Where you go? Where are you going? My phone. Where go? 9:00 तो भाई साहब पता नहीं वो कहीं अलग ही जा रहे थे, तो लिफ्ट नहीं मिली, बट रुकी तो कम से कम, रुकी तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे बस 2 मिनट भी रुक गई, 4 मिनट रुके। भाई ट्रक तो रुक गई है, एक जरा थोड़ा दौड़ा जाए, दौड़ के देखेंगे कि ट्रक कितने दर में मिलती है। यहाँ पे ट्रक भाई साहब ने तो रोका है, जरा देखा जाए। यस कहाँ, कितना, चंद किलोमीटर? 1 साथ कम या ओके कमिंग। एक यक मिनट, बैग कम, 1 साथ किलोमीटर जरा चला जाए भाई, बैग ले लेते हैं। 100 किलोमीटर के लिए लिफ्ट मिली है, ठीक है भाई, 100 कम थोड़ी होता है, 100 भी काफ़ी होता है 100 किलोमीटर इस ट्रक में। उतना मतलब नास्ती अभी फाइन लिफ्ट इन लाइक 5 मिनट्स, राइट? 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट दे भाई। भाई एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि लिफ्ट कितने किल के तार के आसपास मिली है, बट ऐसा हम लोगों ने जुगाड़ लगाया, एक बैग यहाँ एक बैग यहाँ, छोटा वाला बैग नीचे हो गया, और ये लास्ट के इधर बैठी है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। पता नहीं कितना दूर जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से जितना लग रहा है 100 किलोमीटर जाएंगे, बट मे भी नहीं जा सकते 100 किलोमीटर, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। भाई साहब नाश्ते कुछ चाय मिल रहा है आते ही, चाय, यस योर फेवरेट। भाई साहब ईरान के अंदर ट्रक के अंदर हर भाई साहब चाय रखते हैं, तो यहाँ पे चाय मिल रहा है। ये हम लोगों ने अच्छी खासी चाय कर रखी है ईरान में, ऐसा नहीं कि पहली बार मैं चाय कर रहा हूँ, मैं पिछली ट्रिप पे भी किया था, और इस बार भी हिचहाइकिंग वगैरह कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस मस्त है भाई, यहाँ पे ट्रक वाले भाई साहब जनरली यहाँ पे लिफ्ट मिली है हमें, मतलब हम लोगों ने 4-5-6 कार एक्चुअली अब तक में ट्राई किया ईरान के अंदर, आज के नहीं ईरान के अंदर, और मोस्टली उसमें 4 कार ट्रक ही थी, तो मोस्टली हम लोग ट्रक में काफ़ी हिचहाइक करते हैं यहाँ पे। मज़ा आ रहा है इस व्यू के साथ भाई।
जरा आपको जुम करके मैं व्यू दिखाऊं। ये ऐसा व्यू भाई, और इस व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब ने गाना चलाया है यार, आपको देख के लग रहा है कि ये ईरान का गाना वगैरह होगा। लड़कियों के जरिए कपड़े देख रहे हैं, मतलब आई डोंट नो यहाँ पे ये गाना लीगल भी है नहीं भी इलीगल है। अभी ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, समझ नहीं आ रहा कि इलीगल है कि इलीगल गाना है यहाँ पे। तो भाई हम लोग अब का सफर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, अमनू को भी मंजिल मंजिल यू गो पाकिस्तान बॉर्डर। जाहिदान जा रहे हैं, जाहिदान बिट मुझे जाना, जाहिदान नहीं जाना है याज, तो यहीं पे सफर समाप्त होता है हमारा। चलते हैं यहाँ से, अब इस ट्रक से निकलते हैं। थैंक यू वेरी मच, खैर मेहमान 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 तो भाई इस ट्रक में हम लोग आए हुए थे और हमारा सफर अब समाप्त होता है इस ट्रक से। ये भाई साहब अब निकलने वाले हैं यहाँ से। ये कुछ ऐसा रास्ता है भाई, यहाँ पर हम लोग को रोका गया है, अब यहाँ से वापस से करेंगे हिच हाइकिंग। तो भाई ट्रक वाले भाई साहब ने हमें यहाँ पे उतारा है, यहाँ पे मैं वहाँ पे गया था टॉयलेट यूज करने के लिए गैस स्टेशन के पास, और अभी यहाँ पे नाश्ता चाय बना रही है। यहाँ पे भाई साहब का क्या सिस्टम है कि आपको दो चाय पकड़ा देंगे, आपको शक्कर पकड़ा देंगे, यहाँ पे पानी मिलेगा आपको, आपको जितना आपको चाय पीना है पियो, सही है सिस्टम। और भाई चाय की कीमत, मतलब एक चाय की कीमत 5 रुपये के आसपास है, तो 5 रुपये की आपको चाय मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पर भाई साहब कुछ यहाँ पे माहौल है जहाँ पर आप लोगों ने चाय खरीदा है, ऐसा कुछ आसपास दिखता है। भाई थैंक्स टू फोन, मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ यार, क्योंकि लाइक बड़े कैमरा मैं कैरी करना नहीं चाहता, कि बड़े कैमरा कुछ ज़्यादा ही बल्कि हो जाता है मेरे लिए यार, खास करके आप हिच हाइकिंग वगैरह कर रहे हो तो बड़े कैमरा से नहीं। लेकिन गोप्रो क्या है कि गोप्रो मस्त है, बट रात को गोप्रो एकदम काम ही नहीं करता। रात को अगर मैं वीडियो बना रहा था गोप्रो से, अभी तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। फिलहाल आपको कुछ दिखाई तो दे रहा है कि कैसे कैसे चाय बन रहा है। भाई 5 मिनट नहीं का होगा, एक वापस से ट्रक पे लिप मिल गई है। थैंक यू खैली ममनूम जिंदाबाद। लेकिन भाई इस ट्रक में अच्छी बात है कि ये ज़्यादा स्पेस है, ये बड़ी ट्रक है ना, तो यहाँ पे सोने का जगह भी है। खूब ईरान खूब, ये सोने की जगह है भाई, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। इसलिए मैं जूता खोल के आपको बाहर आना पड़ता है, इसलिए मैं जूता खोल के बाहर आया हूँ। और यहाँ पे नास्तिया बैठी हुई है, और इस तरह से व्यू दिख रहा है यहाँ से भाई, काफ़ी शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से भाई। बड़े ट्रक से जो व्यू दिखता है ना भाई, वो बहुत मस्त रहता है। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता है, यहाँ पे बैग भी रख दिया भाई, बैग रखने की भी जगह थी यहाँ पर, यहाँ पे बैग रख गया, मतलब यहाँ पे कंफर्टेबली जा रहे हैं हम लोग बैठ बैठ के। और भाई ट्रक की जो सीट होती है ना, मुझे लगता है कि कार के सीट से ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। चलो वापस से हिचाइक करते हैं इस ट्रक पे। काफ़ी इजी राइड थी नाश्ते, हाउ इज इजी दिस हिचाइकिंग वाज, जस्ट आस्क, वेरी इजी। आई थिंक भाई हम लोग यहाँ से जाएंगे अराउंड 80 किलोमीटर यहाँ से आगे। जब मैं अकेले रहूंगा तो हो सके थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट फिर भी काफी इजी था भाई। ट्रक के आते ही मेहमान नवाजी शुरू, और उन्होंने चाय दिया हमें, चाय बना रही है, चाय शक्कर है अलग अलग, बोला कि खाओ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ तारुफ के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि तारुफ वगैरह, आप खाओ आराम से, ये एकदम कंफर्टेबल फील करो, अपने घर की तरह फील करो। तो भाई ये होता है ट्रक पर ट्रैवल करने का मज़ा, ये होता है हिचहाइकिंग का मज़ा। भाई हिचहाइकिंग सच में कहूँ तो ईरान के अंदर मैं पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब आज से 4 साल पहले हिचहाइकिंग करता था मैं पैसे के लिए, पैसे बच जाए, थोड़े पैसे बच जाए। आज भाई टेक्निकली लाइक, मतलब खास करके ईरान के अंदर बहुत ही सस्ता कंट्री है, मतलब मैं टैक्सी अफोर्ड कर सकता हूँ एक शहर से दूसरे शहर डायरेक्टली। बट मैं इसलिए ट्राई करता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस के लिए, कि ये ट्रक के अंदर ट्रैवल करो, लोकल लोगों से मिलो, लोकल की मतलब अच्छा लगता है इस तरह घूमना भी। भाई सब नाश्ते सो गई है पूरी तरह से। व्हाट आर यू डूइंग? स्पात या स्लीप? सोती हूँ। ये भाई बाहर करने जा रहे हैं, काफ़ी आई थिंक हम लोग अब आने वाले हैं अराउंड 5 किलोमीटर के बाद, भाई साहब चले जाएंगे सीधे और हमें जाना पड़ेगा राइट यहाँ से। तो भाई मुझे लगा था कि भाई साहब अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्चुअली ये हमारे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, याज की तरफ ही जा रहे हैं, पता नहीं शायद
इनको बंदर आबाद जाना है। बंदर आबाद भाई बहुत दूर है यहाँ से। बंदर आबाद यहाँ से यार तकरीबन 900 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि एकदम वहाँ पे दुबई के पास पड़ता है। दुबई के दुबई जो पर्शियन गल्फ की इस तरफ है और बंदर आबाद उस तरफ है, तो काइंड ऑफ बॉर्डर लगता है दुबई से। अब बोल लो बंदर आबाद का, मैं गया हूँ बंदर आबाद पहले ही जब मैं आया था। तो अब हम लोग जा ही रहे हैं इस तरह से। नाश्ते को नींद आ रही थी, नाश्ते इस बात था रोबोट बैग और नास्तिया सो भी रही है। तो कोई बात नहीं, नास्तिया सो रही है, मैं अब यहाँ बैठा हुआ हूँ। मुझे ट्रक पे बिल्कुल नींद नहीं आती भाई, एकदम जो यहाँ से जो व्यू दिखता है ना भाई, वो कार के व्यू से मतलब बहुत ही डिफरेंट रहता है। जो बस जो ट्रक का व्यू है, ट्रक काफ़ी ऊँचा रहता है ना, तो उससे व्यू होता है ना, काफ़ी शानदार व्यू दिखता है भाई। व्यू को पहले देखते हुए अब मैं जा रहा हूँ जहाँ भी जाएंगे भाई साहब। अगर जो मेरे प्ले सिटी तक जाएंगे तो मतलब जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ यहाँ, मुझे लगेंगे यहाँ से भी 2 घंटे और लगेंगे, बस 2 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा यहाँ। भाई साहब ने यहाँ पे हमें ड्रॉप कर दिया है। खैली ममनूम, खैली ममनूम, खैली ममनूम। तो भाई यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप कर दिया। एक्चुअली ये पुलिस स्टेशन भी है पास में ही, और यहाँ पे ये सोने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब सोऊंगा और रात भर ये भी सोएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं ही चेक करता हूँ यहाँ से कि सोएंगे। मुझे लगा मेरे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, बट एक्चुअली मेरे डायरेक्शन में आधा दूर है और कह मैं अब सोने वाला हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। चलो नाश्ते, यू रेडी टू गो? या ओके लेट्स गो एंड फाइंड अनदर राइड। चलो भाई अगली राइड को देखते हैं और जो हमें मोस्ट प्रोबेबली आज तक छोड़ दे। तो भाई इस ट्रक में हमें लिफ्ट मिली थी, दूसरा राइड, थैंक यू उसको, बाय बोल के निकल रहे हैं। और ये भाई ट्रक है इनका माराल, ये ट्रक है भाई साहब। ये भाई पुलिस स्टेशन है और यहाँ से हम लोग अब अगली राइड लेंगे। नेक्स्ट राइड, नेक्स्ट राइड, नेक्स्ट राइड, वो 200 किलोमीटर नरवाल आया। 200 भी और बचा है, वो भी आज हो ही जाएगा। तो भाई काइंड ऑफ नाइट ही चेकिंग जारी है। वेल अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट काफ़ी थोड़ी लाइट्स है यहाँ पे, बट काफ़ी तारे दिख रहे हैं यहाँ पे। काइंड ऑफ लोग मिडिल ऑफ डेजर्ट में है और रात को चल रही है यहाँ पे, मिडिल ऑफ डेजर्ट में चाय की। मोस्टली भाई बड़ी ट्रकें पार हो रही है, छोटी ट्रकें बहुत ही कम जा रही है। जैसे कि ये देखो बड़ी बड़ी ट्रकें जा रही हैं यहाँ से। आई होप कोई बड़ी ट्रक लिफ्ट दे दे, आई होप। बस है भाई, बस रोक दो यार, बस भी नहीं रोक रहा भाई। रात का समय है, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, एक वापस से लिफ्ट मिल गई ट्रक में ही। ये ऑयल ट्रंक है। ये भाई साहब मना कर रहे थे कि भाई चाय की मत करो, बट कोई बात नहीं, पता नहीं आप कैसे दिख रहा होगा आपको, सब कुछ रात वाला माहौल है यहाँ पे। कम आ पुट लाइट या रशिया वाइट ब्लू रेड आ मे बी टैंक में फ्रॉम रशिया के दवाई। चलो भाई इस पर लिफ्ट मिली है। तो भाई साहब मिल गए लिफ्ट 2 मिनट के अंदर। तो भाई साहब ने हमें अनार खाने को दिया, हम लोग अनार खाने। नास्ती हाउ इज अनार? खाना टेस्टी या? ये हम लोग भाई अनार खा रहे हैं और चल रहा है हमारा ये सफ़र इस ट्रक में। नास्ती वहाँ पे तो पिछले ट्रक की तरह ही यहाँ पे बैठी हुई है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अभी दोनों बैग रखा हुआ है हम लोगों ने और मुश्किल से मतलब हम लगता है 3 घंटे पहुंच जाएंगे यास। ये डायरेक्टली लिफ्ट मिली है यास के लिए। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस्पहान से यास के लिए सफ़र, 3 लिफ्ट में डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए यास। तीनों लिफ्ट ट्रक में मिली है। तो भाई यास छोड़ दिया, खैली ममनूम, खैली ममनूम। तो भाई उन्होंने याद हमें छोड़ दिया और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब अराउंड 5 घंटे अराउंड 4-4.5 घंटे के आसपास हम लोग आ गए हैं। फोटो ओके, ये भाई साहब भी फोटो लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं ले लेते हैं फोटो ये भी। और दूसरी बात भाई कि अभी याद एक्चुअली ये याद का इंटरसेक्शन है, ये याद से चले जाएंगे इस तरफ, उनका अलग रास्ता है बंदर आबाद की तरफ उनको जाना है। तो बट मुझे जाना है याद सिटी में, तो उन्होंने मुझे ये जो राउंड बोट अबाउट है वहाँ पर छोड़ दिया। मुझे यहाँ सिटी की तरफ जाना है, अराउंड 10 किलोमीटर होगा, बट चल लेंगे हम लोग, टैक्सी ले लेंगे तो फिर जाएगा वापस से करेंगे। चलता हूँ फिलहाल के लिए, अभी नीचे उतरता हूँ।
भाई साहब ये है ट्रक, जिस ट्रक से हम लोग आए हैं उसमें रशिया का काइंड ऑफ फ्लैग बना हुआ है, इसे नास्तिया ने बताया। और हम लोगों का यहाँ सारा सामान रखा हुआ है, नास्तिया कहीं जा रहे टॉयलेट खोजने के लिए, ये ऐसा कुछ दिखता है भाई। और टैक्सी वाले यहाँ पे खड़े हैं, बट एक्चुअली टैक्सी हमें लेना नहीं है, हमें यहाँ से सोच रहा हूँ खिंचाई करके जाऊँ, 10 किलोमीटर का रास्ता अभी बचा हुआ है, ऑलमोस्ट याद पहुँच गए यास के। ये काइंड ऑफ याद सिटी यहाँ से स्टार्ट होता है, बट अगर सिटी सेंटर की तरफ जाना है, कहीं हॉस्टल में रहना है तो मुझे याद सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। तो याद सिटी के नाम है, काफ़ी ये डेजर्ट सिटी है मान के चलो, ये काइंड ऑफ हमारे जैसलमेर की तरह है, डेजर्ट के बीचों बीच। और भाई यहाँ पे चांद दिखता हुआ, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई चांद दिख रहा है एकदम, कितना शानदार सा, और ये यहाँ पे ऐसा माहौल है भाई। तो भाई टैक्सी लेके हम लोग आ गए थे अपने हॉस्टल में, नास्तिया यहाँ पर है, छोटा सा हॉस्टल मिला है यहाँ पे। बाकी अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा हॉस्टल है, 2 बेड वाला हॉस्टल है ये यास के अंदर। यास देख मैंने कहा कि एक काइंड ऑफ डेजर्ट सिटी है, आपको मैं कल दिखाऊंगा कि यास दिखता कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी मैं रह क्या रहा हूँ। तो भाई कुछ ऐसा तो छोटा सा ये है भाई, ये मेरा बेड है, जाके सोऊंगा मैं इस पर अभी। दिस इज माई बेड, दिस इज योर। बाकी लाइक सेम कलर दे रखा है भाई, ये गद्दा और ये हाउ मच वी पे फॉर दिस 1900 या तो 900 रुपये भाई पे कर रहे हैं इसके लिए हम लोग, तो 450 एक बेड का, ठीक है। यहाँ पे कहना थोड़ा सा महंगा था, बट एक्चुअली रात हो गई थी तो ऑप्शन था नहीं कुछ लेने का। तो फिलहाल के लिए भाई गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपसे मिलता हूँ सर वीडियो।